कैसा हो हमारा सांसद विषय पर बेवाक टिप्पणियां दी मतदाताओं ने। हिंदुस्तान न्यूज 24 लाइव के द्वारा कैसा हो हमारा सांसद चलाई गई मुहिम को लेकर 54 जालौन गरौठा भोगनीपुर संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं ने दी अपनी बेवाक टिप्पणियां। जालौन गरौठा भोगनीपुर संसदीय क्षेत्र के टाउन एरिया नदी गांव के मतदाताओं के बीच जब पहुंची हमारी टीम और जानने चाहे उनके विचार तो कुछ इस प्रकार से दी मतदाताओं ने अपनी टिप्पणियां। लोकसभा का चुनाव नजदीक है, 2019 का बिगुल बज चुका है। कैसा हो हमारा सांसद, इसके लिए इस लोकसभा क्षेत्र से मैं जानना चाहूँगा। हमारे साथ बहुत सारे यहाँ के लोकल मतदाता खड़े हुए हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि कैसा हो उनका लोकसभा का सांसद, किसे उसे कैसे सांसद को वो चुनना चाहेंगे। तो आज हमारे बीच नदी गांव कस्बा के तमाम सारे मतदाता हमारे बीच खड़े हुए हैं, मैं उनसे एक एक करके जानना चाहूँगा उनके विचार। तो मैं चाहूँगा कि कैमरामैन से आग्रह करूँगा कि एक बार इस तरफ अपना कैमरा घुमाएं। तो क्या कहना चाहेंगे आप, कैसा हो आपका सांसद? बोलो बोलो बोलो। सांसद ऐसा होना चाहिए सर कि मेरे गांव का विकास होना चाहिए। अभी तक जो सांसद बने किसी ने विकास नहीं करा, ना देखा ना आया। हमारे गांव के बेरोजगार हैं लड़के, कोई धंधा बंदा नहीं मिलता है। हमारे ना रेलवे लाइन निकल जाए, हमारे ना तहसील हो जाए, बड़ी महाकृपा। तो इसके पहले क्या आप सांसद से कभी मिले? सांसद आते हैं, सालों में एक बार आते हैं और कभी कुछ नहीं। कोई भी जितने सांसद और विधायक बने, कोई भी इस नदी गांव को देखने जाते हैं, या भूखे हो या गरीब हो या मर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। तो किस प्रकार के सांसद को चयन करना? हम बढ़िया सांसद चाहते हैं जो कि हमारे गांव का विकास हो। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? सांसद ऐसा व्यक्ति बनना चाहिए जो देश एवं गाँव के लिए समर्पित व्यक्ति हो। अभी तक जो सांसद रहे, क्या उससे आप संतुष्ट नहीं? नहीं, संतुष्ट तो है, लेकिन जो चाहिए वो नहीं हुआ है गाँव के लिए विकास। कैसा आप चाहते थे, क्या नहीं हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? रेलवे लाइन वगैरह है, कॉलेज है, तहसील है, सब विकास के आधार है। जो लोग रोजगार मिल सके, यहाँ के हजारों लोग गुजरात में काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। अगर यहाँ रोजगार मिलेगा वहीं लोग रहेंगे, विकास होगा। क्या सुना आपका? भारत की रक्षा के लिए ऐसा सांसद चाहते हैं, ऐसी सरकार चाहते हैं कि जो देश की रक्षा करे, देश के हित में हो, जनता के हित में हो, जनता के विकास के लिए हो, जनता की देख रेख करे। रोड सड़कें जिनमें लोगों को बेरोजगारी से भटकना पड़ रहा है, लोग बाइक से नहीं आ पा रहे हैं, रोड में गड्ढे पड़े हुए हैं, रोडों की देखभाल नहीं हो रही है। तो हम ऐसा ईमानदार सांसद चाहते हैं जो देश का विकास करे, जनता की सुनवाई करे और गाँव के लिए, नगर के लिए, विकास के लिए प्रेरित करे और जनता की हर कदम से मिलाकर चले। ठीक है, आपने कहा कि रोड का विकास करें, तो अभी मैं जैसे आया हूँ तो रोड तो काफी अच्छा बना हुआ है। नहीं नहीं, रोड नहीं, रोड है कौन सा? नदी गाँव रोड कोई मार्ग नहीं है। आप नावली मार्ग नहीं उड़ा हमारे एमपी से यातायात कोई साधन नहीं है। मध्य प्रदेश यूपी के बस के यातायात के साधन नहीं है, बसों की कमी है। हम लोग व्यापारी है, हमारे लिए कोई ट्रांसपोर्ट सर्विस नहीं है। कोई जैसे दिल्ली की बस आती है, एक दिन आती है, 10 दिन नहीं आती है, कोई समय नहीं है। प्राइवेट बस नहीं है हमारे यहाँ, नदी गाँव उरई कानपुर बस है, कभी नहीं देखी हमने, बस है, बस नहीं आती है। तो ये नेता नहीं देखते हैं, जनता से नहीं पूछते हैं, जनता कोई सुनता नहीं है। हम लोग बराबर कई बार झांसी RM सबको खटकरा, कोई नहीं सुनता है। ये सब सांसद की कमी है। विधायक तो सांसद अपने वोट लेके चले जाते हैं, जब हम लोगों को रात दिन भटकना पड़ता है, ये सब अच्छा नहीं है। क्या कभी आपने सांसद को इस बात से अवगत कराया? कई बार मालूम है, कई सांसद जी को मालूम, सांसद जी को सब पता है। जनता देखिए, वैसे कहते हैं ना, जनरली लोग कहने नहीं, नहीं, सांसद जी से कहा, मीटिंग में कहा, बार बार दुकानदार लाइन के आदमी है तो दुकान बंद करके कुछ वो तो करेंगे नहीं। बिजली विभाग की और नेक ले लो, विद्युत की समस्या ये है कि फीडर जो है तारुणी उपा रहा है। सांसद जी ने बनने के पहले कहा था कि हमारा फीडर अलग होगा, वो आज तक अलग नहीं हो पाया, बन रहा है। अब वो कितने साल में बनेगा, हमारे जिंदा बनेगा या नहीं बनेगा, ये हम नहीं देख सकते, ये हमारे बच्चे देखेंगे, कौन देखेगा। तो अब आप क्या क्या निर्णय लेना चाहेंगे, किस प्रकार के सांसद? हम तो सांसद को चाहते हैं, सरकार चाहते हैं अच्छी सरकार बने, और सांसद जो भी बने अच्छा बने, काम करे, अपनी गलती को महसूस करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जनता से वादा करें कि हम जनता के साथ हैं, ऐसा नहीं है वादा कर गए फिर चुप गए।
नहीं तो देखिए हर बार ऐसा ही होता है, जो किसान सांसद है वादा करता है और आप भी करते हैं, चलिए तो ऐसा कौन सा कदम उठाएंगे जिससे लगे कि ये सांसद हमारे बीच में? देखो सरकार है तो सांसदों से कहती है गांव जाओ, नहीं जा रहे हो, अपने अपने पड़े हुए हैं लेडी के लीडर लोगों को, अपना उनका काम हो गया। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि हमारा सांसद ऐसा हो कि जो ईमानदार हो और जनता की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे सड़क है, बिजली है, पानी है, उन पे उसका फोकस होना चाहिए, यातायात के साधन हैं, इन चीज़ों पे जो जनता से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं जिनसे जनता को आने जाने में या बिजली पानी या सड़क की जो समस्या है उसको जो है वो उस पर फोकस करें अपना पूरा। और हम ऐसा सांसद चाहते हैं, देश में ऐसी सरकार चाहते हैं जो देश की रक्षा करे, बेरोजगारों के लिए ब्लॉक स्तर पे या अन्य तहसील स्तर पे ऐसी कुछ व्यवस्था करे जिसपे क्षेत्रीय जो बेरोजगार हैं नवयुवक हैं उनके लिए वहाँ उनके क्षेत्र में ही या उनके गांव के 150 किलोमीटर के रेंज में उनकी ऐसी रोजगार की व्यवस्था चले जिससे वो अपने परिवार का संचालन कर सकें। क्या लगता है कि अभी तक जो सांसद हुए हैं कोई ऐसा सांसद आपकी नज़रों में रहा है जो कभी आपके बीच में आया हो? नहीं, सांसद जी तो आते रहते हैं नदी गाँव, लोगों की बात भी सुनते हैं और सरकार की तरफ से यहाँ काफ़ी जो है लेटरन के भी लाभार्थी हुए हैं शौचालय के और उसमें आवास के भी हैं, गैस सिलेंडर भी लगभग 500-700 के संख्या में यहाँ वितरित हो चुके हैं और सांसद जी लगभग यहाँ साल में कम से कम 10-5 बार आते हैं, लोगों की बात भी सुनते हैं। लेकिन अब उनका भी क्षेत्र चूंकि इतना विस्तृत है कि अधिक समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन ये फीडर ईडर वाली जो समस्या है ये समस्या काफ़ी दिनों से हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता भी उनके पार्टी के कार्यकर्ता और नगर के लोग भी अपनी बात उनके सामने रखते रहे बराबर, लेकिन उनने इस पर थोड़ा अपना ध्यान कम दिया क्योंकि लाइन तो अलग हो चुकी है, मशीनें भी पावर हाउस पर रखी हैं और जो नगर का फीडर हमारा है उससे देहात का भी फीडर जुड़ा है, तो हम लोगों ये चाहते हैं कि वो हमारा फीडर अलग हो जाए और जो ग्रामीण क्षेत्र का फीडर है वो अलग हो जाए। हालांकि सांसद जी आते हैं वहाँ, लोगों से मिलते हैं, उनकी बात भी जब हम कभी भी हम लोग उनके पास रखते हैं तो वो समस्या उनको समाधान करते हैं। तो देखिए जब आप कहते हैं सांसद जी आते हैं, सांसद जी मिलते हैं जी बोलो, तो इसका मतलब है कि जो आप सांसद जिसको चुने हैं बहुत अच्छा है जी बिल्कुल, तो इसी प्रकार का सांसद होना चाहिए, इसमें कोई दोहरा नहीं सांसद। तो फिर कहाँ सांसद से समस्याएं आपको लगती हैं, कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो देश हित में अपना मतदान करूंगा और सांसद जी से भी संतुष्ट तो है पर पूर्ण संतुष्ट नहीं है। आते हैं, हमने उनसे बात भी अलग फीडर की सड़क की भी बात की या विकास कार्यों की बात भी, तो सरकार की जो योजनाएं आई हैं वो नदियों में तो कार्यरत हुई है पूर्ण रूप से, लेकिन अब शिकायत है कि रेलवे लाइन की, जैसे कि रेलवे लाइन जो पहुँचे भिंड पास हुई थी, सांसद जी ने इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, तो अब सांसद जी की मजबूरी भी नहीं समझ सकते हम कि क्या मजबूरी है उनकी, उन्होंने क्यों इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, बगल वाले सांसद जी है वो थोड़े ज़्यादा इंटरेस्टेड रहे जो भिंड के थे, तो ये हम समझ नहीं पा रहे हैं, उनसे इस बारे में वार्ता करेंगे कि आखिर मजबूरी क्या थी जो हमारी लाइन जिसमें नहीं आने पर। चलिए मूलभूत समस्या से तो शिक्षा है, पानी है, सड़क है, शिक्षा की तो कमी है, अध्यापक नहीं है इंटर कॉलेज में, अध्यापक नहीं है इंटर कॉलेज में, क्लासेस नहीं चल पाती है इस कारण, और यातायात की भी साधन नहीं है, यात्री 3 बजे के बाद पहुँच जाने के लिए बस नहीं है, तो हम चाहते हैं कि सरकार कम से कम 3 बजे के बाद 2-3 छोटी छोटी गाड़ियाँ हमारे सड़क पर डाल दे जिससे कि हम वहीं तक या लखनऊ तक पहुँच सके, रात को हमारा पेशेंट या हमारा व्यापारी। अभी अभी आपके साथ जो खड़े थे वो बता रहे थे कि रोडवेज की समस्या यहाँ करने लगभग बहुत सी रोडवेज चलने लगी। नहीं नहीं, कहाँ चलती हैं, 2 रोडवेज है, एक सुबह मीरांगना जाती है जहाँ से, एक दिल्ली वाली है वो 10-8 दिन में एक हद दिन आती है, अच्छा कभी कभार आती है, कभी कभार जी। आप भी कुछ आपको कोई? हाँ जी, मैं महाकांत त्रिपाठी समाज सेवी नदीगांव जनपद जालौर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं देख रहा हूँ चुनाव आता है, सभी सरकारें अपना घोषणा पत्र देती हैं, पिछली सरकार ने दिया था कि हम विकास कराएंगे और आर्थिक आधार पर आरक्षण करेंगे, आज हमारा समाज जात पात में बढ़ गया है, आर्थिक आधार पर आरक्षण करके देश का विकास हो तभी समाज का विकास होगा। और हमारी सांसद जी से बात हुई थी कि उन्होंने बताया कि जो रेलवे लाइन का भिंडो कोच स्वीकृत हुई है उसको अधिकारियों ने घाटे की सौदा दिखाकर उसको बस्ते में रख लिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी सरकार हो घाटा लाभ में देखती है जनता की सुविधाओं के लिए, होती है ये समस्या चाहे रेलवे लाइन हो चाहे बिजली की समस्या हो, बिजली की समस्या में सुधार हुआ है इस बार हम देख रहे हैं,
जो पिछली सरकारों से इस बार सुधार बहुत हुआ है, थोड़ी बहुत समस्या है। सांसद जी से कहा था कि इसका हमारा नदी गांव जो नगर हो गया है पंचायत, इसका फीड़ा अलग से करा दें, और पेयजल भी समस्या है थोड़ी बहुत। सबसे ज़्यादा समस्या क्षेत्र में है बेरोजगारी की। अगर कोई केंद्र सरकार यहाँ एक इंडस्ट्री डाल दे तो हमारे जो क्षेत्र का रोजगार है बच्चों को मिल जाएगा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी समस्या है। आज हमारे यहाँ के बच्चे गुजरात और दिल्ली जाते हैं, मैं कल ही दिल्ली से आया हूँ और वहाँ देखा कोई भी आदमी फ्री नहीं रहता वहाँ, वहाँ रोजगार है। यहाँ आदमी दिन भर बैठा रहता है, कुछ काम नहीं है। अधिकतर विकास होता है पूर्वी में, जहाँ इंडस्ट्री एक लगी वहीं चार लगवा देते हैं। अरे एक इंडस्ट्री ग्रामीण क्षेत्र में बिहार क्षेत्र में लगना चाहिए। ये क्या आपने अपने सांसद महोदय से बात? सांसद जी से कहा, कई बार कहा, मैं तो मोदी जी भी कहना चाहता हूँ कि भाई ग्रामीण क्षेत्र का विकास करें। पिछली बार आए थे वोट लेने लिए उड़ई में, बुंदेलखंड का नाम दिया था कि मैं सबसे ज़्यादा विकास कराऊंगा, कोई भी नहीं हुआ। उन्होंने कल केवल वो बालू वाली समस्या जो थी घाट, उसका कंट्रोल हुआ, वो बहुत महंगी मिली। तो दिल्ली में बैठकर और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं देखें, खाली वो कागजों पर नहीं, कागजों से नहीं होती है समस्या, खुद जनता के बीच में जाना पड़ेगा, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो। और सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा की। जिस राष्ट्र का 90% शिक्षित होगा तभी वहीं प्रजातंत्र सफल है। आज हमारे यहाँ का संविधान, चाहे वो मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सांसद हो, अंगूठा छाप भी बन जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनकी भी शिक्षा होना चाहिए, इनका भी इंटरव्यू होना चाहिए, इनकी भी परीक्षा होना चाहिए। एक शिक्षा मंत्री है अंगूठा छाप, तो क्या वो करेगा, शिक्षा क्या दिखाएगा? स्वास्थ्य मंत्री है तो वो उसमें शास्त्रों को जानते नहीं, इनका भी एक इंटरव्यू भी होना चाहिए, तो हमारा देश राष्ट्र आगे बढ़ेगा विश्व में। मैं यही कामना करता हूँ जनता सभी देशवासियों के, अपने राष्ट्र की हमेशा समर्थन है। इस समय देश हमारा आतंकवाद से जूझ रहा है, समस्या हमारे देश में सबसे ज़्यादा है। रोजगार बेरोजगार रहते हैं बच्चे, तो वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं, लोगों को पैसा दिखा के उनको अपनी तरफ कर लेते हैं, वो रोजगार मिलेगा, उनको पैसा मिलेगा, वो जाएंगे नहीं फालतू। अंत में मैं जानना चाहूँगा कि आपका क्षेत्र का जो सांसद वो कैसा हो? सांसद तो सोशल है लेकिन कुछ काम थोड़ा उसका। सांसद कैसा हो ये तो आपने पर्टिकुलर सांसद के लिए कह दिया, सोशल है ये अलग बात है। नहीं, विकास क्यों देखे सांसद? विकास देखे कोई भी सांसद हो, विकास चाहता है हर जनता, विकास चाहती है। अभी आपने सबको सुना, प्रायः कहा गया कि जो सबसे बड़ी समस्या है वो रेलवे लाइन की रही है, रेलवे लाइन यहाँ से पास हो गई थी और उसका सबसे ज़्यादा दुख दर्द है, तो रेलवे लाइन का पास ना होना। और जहाँ तक कहा जा रहा है कि सांसद क्षेत्र में आते तो हैं लेकिन जो समस्याएं दी जाती हैं वो समस्याओं का निराकरण नहीं कर पाते हैं। मैं ओम प्रकाश उदनिया, दैनिक मैं ओम प्रकाश उदनिया हिंदुस्तान न्यूज़ 24 से, ब्यूरो चीफ हिंदुस्तान न्यूज़ 24। भारत माता की।